पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन पे। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है, किन कहा जा रहा है 5 सुइसाइड बॉम्बर्स से जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। पाकिस्तान में कोहराम मचा रहे आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस साल अब तक 325 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए हैं और इस दौरान उसने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जाने चली गई। दैट्स सच अ सैड इंसिडेंट, सो दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग। मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं। अफगानिस्तान की जारी बात है सरजमीन इस्तेमाल हो रही है इसमें। इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन, मैं तारीफ करता नहीं हूँ जनरली ऐसे आतंकी हमलों की, लेकिन ये बहुत डेयरिंग ऑपरेशन। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए, जाए तो किधर जाए, पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है। ये जरूर है, ज्यादातर लोग सो रहे थे और सोते हुए पे लोग इसमें मारे गए हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले ताकि हम प्रॉपरली इन लोगों को हिट कर सके, क्योंकि ये नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है जी, ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें जो है वो लीड करेंगी और हमें कहाँ लेके जाएंगे। पाकिस्तान में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आतंकी हमला मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपने खुद सिखाया था इसके। ये जो TJP है, इसके स्पोक्सपर्सन ने क्लेम किया कि हमारा सुसाइड मिशन था, जिसको मौलवी हसन गंदापुर नाम के एक 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 जिसे वो मुजाहिदीन बोल रहे हैं, शहीद बोल रहे हैं, उस शहीद ने किया। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पे रिएक्शन आए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से भी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट से भी। हालांकि इस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है, एक महीने में दूसरा अटैक है, ये दूसरा हमला है। मियांवाली में इससे पहले हुआ था और मियांवाली में कितना तगड़ा हमला हुआ था सब अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। एक TTP, ये TJP है, इससे TTP से भी इनकी चलती रहती है। TTP ने भी 2002 में सीज फायर की थी, लेकिन वो सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चल पाई। वो TTP खुद ही बोलती है कि पाकिस्तान करता है गड़बड़ी, ये सारी पाकिस्तान की गलती। और पाकिस्तान, अच्छा ये सारे लोग हैं भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैदा हुए लोग हैं जो कि वहां बैठे हैं, और ज्यादातर को हथियार भी पाकिस्तानी मिलते हैं। इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उसने ये बोला है कि पाकिस्तान में 599 मिलिटेंट अटैक्स हुए थे पिछले इस 2023 में, अब तक पिछले 11 महीनों में 599, जिसमें लोग मारे गए 897, 1241 घायल हैं और 81% एस्केलेशन है। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। सो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट लेनी है वो कैसे लेनी है जब तक ये हम दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। और ये अफगान तालिबान जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पाकिस्तान, वो कहते हैं यार हमारा क्या है, हमने तो गारों में रहना है, हमने मदरसों में रहना है, हमने एक ट्राइबल लाइफ गुजारनी है, हमें इन चीज़ों से क्या जो आपके मसले हैं। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मूव ऑन कर चुका है, अफगान तालिबान मूव ऑन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं नहीं एंज नहीं है आसानी जाना। ठीक है, सो हमारे लिए, और फिर मज़े की बात है फिर हमारी आवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो बड़े मसले हैं वो सियासी हैं, वो ये नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं है। वो कहते हैं मसला तो है ही, फौज है साढ़ा है ही नहीं, फौज जाने दे और जाना, फौज को ज़रूर जारी बात है वो दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर सो मच इन टू थिंग्स, उनका बड़ा यहाँ पे असर वसूख है निज़ाम के अंदर,
बट द क्वेश्चन इज कि फौज तो जो फैसले कर रही है, जब तक उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और हर रोज ना हो, अगर इमरान खान जेल में बैठ के ये कहे कि अफगान तालिबान को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो जो एथनिक वोट है मुझे मिलेगा, तो स्टेट की पॉलिसी क्या होगी? और स्टेट भी जब पॉलिसी बनाती है इतनी अब्रप्ट बनाती है, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करती, तो फिर जारी बात है बींग ए डेमोक्रेटिक कंट्री सेटबैक भी आता है। सो आई थिंक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इंटरलिंक्ड हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानियों को अमन में नहीं रहने देंगे, मैं आपको बात बताऊँ। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी के मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, वो जी आप दूसरे मुल्कों में मिलिटेंट्स भेजते रहे हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, आज आपकी बारी है। मतलब दैट्स हाउ दे डू एंड दैट्स हाउ दे से, ठीक है जी। बट द क्वेश्चन इज के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मिलिटेंट्स का या नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ईरान नहीं कर रहा उसमें, इंडिया नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा। आप सीरिया में चले जाएं, इराक में चले जाएं, वहाँ पे क्या था सारा टाइम? देयर वर मेनी कंट्रीज हु वर सपोर्टिंग, टर्की नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि वो जो जो एक हब है मिलिटेंट्स की, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तो वो हमें वो जिन्होंने पंजाबी के अंदर सारे नहीं लैन दे रहे, ठीक है जी। अब ये किस तरह जो, और ये सारे आपको पता है, दिस इज़ एन एथनिक कॉम्पोजिशन एंड रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऐसी है कि इसमें से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना समझ नहीं आ रही कि हम कैसे कर पाएंगे। चित्राल पे हमला होता है, आपको याद है, वहाँ से पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, अफगान तालिबान के साथ वी कॉन्ट लिव विद दिस माइंड सेट ऑफ द अफगान तालिबान। दैट वॉज बेसिकली ये एक पॉइंट कहा जाता है। सो हमने अगर वो ये ना किया, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास ना हुई और कंसिस्टेंट पॉलिसी, हम दुनिया को ये नहीं कह सकते कि यार वो हम जो है ना बस ये अफगान तालिबान ये हैं या जो मिलिटेंट्स हैं इनको ख़त्म कर लेंगे। सो हमें ये जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है इस खत्ते का, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम बैठे रहें बस, ठीक है जी। ये TTP जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके उनको बताया जाए कि आप अकेले ऐसे नहीं रह सकते, आपको अफगानिस्तान पे प्रेशर डालना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ ये कहती है जी अफगानिस्तान से इंगेज करें, वहाँ एजुकेशन करें बच्चों को, खवातीन को, वो ज़रूर करें, बट एट द एंड ऑफ द डे द प्रेसिंग चैलेंज इज दैट हाउ मैनी पाकिस्तानीज आर बींग किल्ड, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वी आर पेइंग अटेंशन टू द अनएजुकेटेड अफगान्स, उनकी तरफ तो हम ध्यान दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए विच आई बिलीव, ये नहीं है कि ना दें, खवातीन पे या बच्चियों को।